Hello. Hello. Today we are going to talk about Maratha Mukh Morcha, jo 9 August 2017 ko Mumbai mein hua tha. So why it is important? Abbas? इस मोर्चे के पीछे सिर्फ एक रीज़न नहीं था जो यूजुअली हम लोग प्रोटेस्ट की तरफ या प्रोसेशंस की तरफ देखते हैं कि भाई उनका एक ही मेन मोटिव रहता है. यहाँ पे ऐसे काफ़ी सारे इश्यूज थे जो ये पूरी कम्युनिटी फेस कर रही थी और इस इन सभी मुद्दों के ऊपर बात करने के लिए, अपनी आवाज़ उठाने के लिए वो लोग ने पूरा मोर्चा ऑर्गेनाइज किया था. और तो एक्चुअली मेन मुद्दा बताने से पहले इसी हाईलाइट्स जो थी कि ये बायकला से आज़ाद मैदान जो 6 किलोमीटर का स्ट्रेच है टोटल, ये मोर्चा उस बीच हुआ और इस मोर्चे में कोई पॉलिटिकल पार्टी इन्वॉल्व नहीं थी. ये बहुत अच्छी बात है, वो हम बाद में बताएंगे क्यों. जो पुलिस का बंदोबस्त था वो काफ़ी कमाल का था. और आपको एक और बात बता दें कि यहाँ पे 3 लाख लोग मुंबई आए थे, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से, अलग अलग अपने अपने गाँव से मुंबई में, और ट्रैफिक हैम्पर नहीं हुआ कहीं पे भी. जो थोड़ी बहुत परेशानी आई वो तो चलो सही है, लेकिन किसी तरह का नुकसान सोशल अपनी पार्ट, किसी तरह की प्रॉपर्टी डैमेज नहीं हुआ. बिकॉज हमारे इंडिया में हम देखते रहते कि आए दिन किसी चीज़ के ऊपर या किसी टॉपिक पे या किसी को रिजर्वेशन के लिए या किसी को, किसी एक पर्सन को छुड़ाने के लिए लोग अपना प्रोटेस्ट करते हैं और द इजीएस्ट थिंग टू डू इज मतलब वो लोग तोड़फोड़ करना शुरू कर देते, पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज. हाँ, पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज करते, चक्का जाम कर देते. यहाँ पर वो कुछ भी नहीं हुआ, इवन दो 3 लाख से ज़्यादा अटेंडेंस में थी पूरी पब्लिक, पूरे महाराष्ट्र से आएगी जो कि प्रोटेस्ट कर रहे थे. और काफ़ी इन्होंने अपना प्रोटोकॉल बहुत ही फॉलो किया. इनका जो मराठा सकल समाज था, जो इनके ऑर्गेनाइजर्स थे, उनमें डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा थे. 3 लाख लोगों को जिस तरह से मैनेज किया. और ये 58 मुख मोर्चा था जिसके अंदर कोई स्लोगन्स नहीं थे, कोई पार्टीज नहीं थी, किसी तरह का कुछ शाउटआउट बिल्कुल नहीं था. तो बहुत शांति से इन्होंने अपनी बात रखी. और इनकी बातों का जो मुद्दा था, 3 मुख्य मुद्दे थे. आरक्षणाला धक्का दिला होता. मराठा आरक्षण मराठा समाजाचा सरसकट ओबीसी मध्ये समाविष्ट करावा आणि मराठा समाजाला आरक्षण द्यावं. आम्हाला इतर आरक्षण कोणाचंही काढू नका, कोणाचंही कमी करू नका, फक्त आमची मागणी, आमच्या मराठा समाजाला आरक्षण भेटलं पाहिजे, हीच आमची रास्त मागणी. आणि स्वामीनाथन आयोगाचा एक सगळ्यात मोठा मुद्दा आहे शेतकऱ्यांसाठी. स्वामीनाथन म्हणजे जे मोदी सरकार आज सत्तेत आलंय, त्या मोदी सरकारची घोषणा होती की स्वामीनाथन, डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग आम्ही लागू करणार. आज मोदी सरकारला 3 वर्ष झालं पण मोदी सरकारने स्वामीनाथन आयोग हा लागू केलेला नाही. त्या विषयावर जास्त भर द्या. आपला जो आहे ना मराठा समाज, तुम्हाला आज निगडीत मराठा समाज सगळ्यात जास्त 90% हा मराठा समाज शेतीवरती अवलंबून आहे. जोपर्यंत शेतीचे प्रश्न सुटणार नाहीत तोपर्यंत मराठा समाजाचे प्रश्न सुटणार नाही. शेती नाही आहे सर हमको, सर शेती नाही आहे मला. मी तर खूप गरीब परिस्थितीतलं आहे, माझं शिक्षण पण पूर्ण झालेलं नाही. मी फक्त 9वी 8 6वी पास आहे. मी शाळा सोडून दिली तर माझी इच्छा आहे सर पेपर द्यावा माझी, तर मला पैसे भरायला, शाळेत जायला, बसचं पास काढायला एवढं पण खर्च नाही. माझं घर मी काम करून माझं घर खर्च ढकितो, कारण मला 250-200 रुपये रोज पडतो, तर त्यातला 1.5-2 हजार रुपये तिकटाच जातो. तर सर आमची एवढी गरीब परिस्थिती, आम्हाला आरक्षणाशिवाय पर्याय नाही. तर आतापर्यंत आम्ही एवढे मोर्चे काढले, प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये मोर्चे काढलेत, 80-80 लाख निघाले मराठी, तरी पण या सरकारला जाग येत नाही. मला समजत का नाही आहे, आम्ही आमच्या रक्तासाठी, आमच्या मुलाबाळांसाठी, आमच्या फ्युचरसाठी आम्ही सांगतोय की आम्हाला आरक्षण पाहिजे. जे कोपर्डीत जे माझ्या बहिणीसोबत जे घडलं, आज 1 वर्ष झाला तरी पण त्या मुलीला न्याय मिळाला नाही का? तरी पण ते हरामखोर जिवंत आहे का? आज तिच्या ठिकाणी कोणी नेत्याच्या मुलीवर अन्याय झाला असता तर असाच पेंडिंग पडले असते का केस? महाराष्ट्रामध्ये शेतकरी समाज हा 70% असून सुद्धा, म्हणजे आपण फक्त म्हणतो की शेतीप्रधान देश आहे आपला, परंतु तरी सुद्धा सगळ्यात जास्त वाईट परिस्थिती ही शेतकऱ्याचीच आहे. आणि शेतकऱ्यामध्ये 90% हा मराठा समाज आहे. तर ठीक आहे, लोक म्हणतात की मराठा समाज आतापर्यंत म्हणजे सत्ता त्यांच्या हातात होती, सगळं होतं, तरीसुद्धा मग का म्हणजे मराठा समाज मागे राहिला? पण तरीसुद्धा मला असं वाटतं की मराठा समाज हा सर्व समावेशक होता,
त्यांनी सगळ्यात आधी सगळं इतर जाती धर्माचा आधी विचार केला, पण याच्यामध्ये सगळ्यात जास्त भरडला गेला हा म्हणजे जो तळागाळातील जो मराठा समाज होता शेतकरी वर्ग हा जास्त भरडला गेला. तर मग आता अशी अपेक्षा आहे की ठीक आहे जातीच्या आधारावर नाही पण कमीत कमी आर्थिक निकषाच्या आधारे तरी आम्हाला आरक्षण मिळालं पाहिजे. तर सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा हा आरक्षणच असणार आहे. दुसरं म्हणजे स्वामीनाथन आयोग लागू करणे आणि नंबर तिसरं म्हणजे जे ॲट्रॉसिटीचा गुन्हा आहे तर त्याच्यामध्ये जे खोट्या केसेस मराठा समाजावर केल्या जातात तर याच्यामध्ये खरोखर सत्यता पडताळून नंतरच त्याच्यावर कारवाई करण्यात यावी आणि जर ती खोटी केस असेल तर मग त्यांच्यावरती कारवाई करण्यात यावी ज्यांनी खोटा गुन्हा दाखल केला आहे त्यांच्यावरतीसुद्धा. तर असं म्हणजे आमचं सगळ्यांचं मत आहे. प्रेमाने या मोर्चामध्ये सामील झालेला आहात महात्मा फुले क्लीन कॉपरेटिव्ह सोसायटी त्यांचा परिवार डिप्लॉयमेंट है और वहाँ पे जो भी नॉर्मल हमारा सिटीजन है उसको जिस चीज का कन्वीनियंस हो उसके हिसाब से हमें डिप्लॉयमेंट किया गया. मतलब सर एक पूरा रोड हम लोग ने प्रोवाइड किया गया है उसी रोड पे से ही जाना है. जी हाँ इसी रोड पे जाना है, बाकी सब सारे रोड पे रेस्ट्रिक्शन है और अल्टरनेट रोड ट्रैफिक के लिए हमें वो रूट दिया गया है और उसको गाइड करने के लिए हमारे ऑफिसर है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. प्लस हमारा जो सबर्बन रेल नेटवर्क है वो व्यवस्थित चल रहा है और उसको भी हमारे हम इंश्योर कर रहे हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम. अच्छा सर लास्ट क्वेश्चन, अगर जो पूरी सिचुएशन है अगर कुछ वर्स होती है कुछ भी रुकना छोटा होता है तो मतलब उसके लिए कुछ अरेंजमेंट है हमारे पास रैपिड एक्शन फोर्स जैसे हम लोग देख रहे सब आए थे. Professional force, we have made all arrangements so we will not let any problem occur. If anything occurs, we are capable enough to handle that. Okay, thank you sir. Thank you so much. Ava ase karu dadla sarva marala bandhana footage le raha samrat ji vinanti apan kottai prakar cha arana krishna devaycha nahi hai. आपले स्वयंसेवक आपले पोलीस मित्र यांना सहकार्य करायचं आहे आणि आपल्या मोर्चाचं नेतृत्व आपल्या माता भगिनी करणार आहेत. कृपया आपण सर्वांनी मागे यायचं राणीची बाग मैदान आपल्या महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातून आपल्या माता भगिनी येणार आहेत. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी आपल्या समोर एक आदर्श ठेवलेला आहे. बट इस मोर्चे में बिना किसी फायदे के बिना किसी क्या कहना चाहिए सेल्फ इंटरेस्ट के हमने देखा कि कई मुस्लिम ब्रदर्स जो थे वो आए इस मोर्चे में फ्री में लोगों को पानी दे रहे थे क्योंकि आज बहुत गर्मी थी. मतलब आज का गर्मी काफी ज्यादा ह्यूमिडिटी थी, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा थी, पूछो ही मत यार. पसीना छूट रहा था भाई बुरी तरह से. आप वीडियो में शायद हम लोग दिखाई दे जाएंगे कि हम लोग कितने पसीने में थे. अगर किसी बच्चे में किसी भी तरह की कैपेसिटी है या काबिलियत है कि अगर वो एक पर्टिकुलर फील्ड में बढ़ना चाहता है या वो आगे बढ़ना चाहता है या किसी को जॉब करना है किसी पर्टिकुलर फील्ड में तो वहां पर किसी भी तरह का रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए. ड्यूरिंग दिस मोर्चा हमें एक दो भाई मिले तो उनमें से जो एक लड़का था वो बेसिकली महाराष्ट्र से है पर उससे भोपाल में जाके पढ़ना पड़ रहा है जस्ट बिकॉज वो अपनी फीस नहीं भर पा रहा था जो उसे इंजीनियरिंग करनी थी और वो काफ़ी वो
उसका मतलब उसके साथ सिचुएशन ही ऐसी हुई थी कि सेम कॉलेज में दो दोस्त जाके इंजीनियरिंग के एडमिशन दोस्त ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज दोस्त दो दोस्त सेम कॉलेज में सेम फील्ड के लिए एडमिशन लेने जाते हैं. एक बंदा ओपन कैटेगरी में फॉर्म भरता है, एक बंदा माइनॉरिटीज में फॉर्म भरता है. माइनॉरिटी वाले को फीस पूरे साल की इंजीनियरिंग की 1,00,000 रुपए है और इसको है 6,00,000 रुपए. ये आप डिफरेंस देख डिफरेंस आप देख रहे हो कि ये कहां डिफरेंस और इनका फाइनेंशियल स्टेटस सेम है इन लोगों का. नासिक से आया हूँ, मेरा एमटेक के लिए एडमिशन हो रहा था ओपन के लिए, लेकिन मेरी फीस ज्यादा थी 6,00,000 रुपए. मेरे बड़े भैया वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे, इसलिए मैंने भोपाल यूनिवर्सिटी से लिया और उसमें मेरे को 30,000 रुपए में फी मिली. वहाँ पे समान नागरिक कायदा है उस कॉलेज में. अच्छा, वो सबके लिए समान फीस रखते हैं, इसलिए ऐसा मैं चाहता हूँ कि महाराष्ट्र में भी वैसा ही हो. सवाल पूछना चाहता हूँ के आप फेसबुक के. जी सर. हाँ जी, वो बोलिए. अच्छा सर, ये जो पूरा मूवमेंट हो रहा है, हाँ, इसको लेके आपका क्या एक थॉट है? कहने का मतलब इंडिया स्वतंत्र, भारत स्वतंत्र हो गया 1947, उसके बाद महाराष्ट्र में संयुक्त महाराष्ट्र हो गया 1960 में. जी. तभी से जितने भी लीडर लोग आए, पॉलिटिक्स लोग आए, तो भी अपने मराठा लोग के लिए कुछ भी नहीं किया. दूसरा बात यह है, हमारी ये गरीब स्कूल के स्टूडेंट है, बोले 95% एग्जाम पास होते हैं और दूसरे को 42 में उसको स्कूल में एडमिशन मिलता है, कॉलेज में एडमिशन मिलता है. और दूसरा बात है नौकरी में, हमारे यहाँ मराठा लोग को नौकरी के में एडमिशन बिल्कुल नहीं. दूसरा बात है कॉलेज में भी एडमिशन नहीं मिलता है, तो ये नहीं होना चाहिए. तो हर जगह पे डोनेशन मांग रहे हैं, हर जगह पे डोनेशन मांग रहा है. ये ओपन कास्ट है, इसीलिए ये ओपन कास्ट है, इसके लिए जो शेड्यूल ट्राइब है उनको नहीं मांग रहा, कुछ भी नहीं मांग रहा है, लेकिन हम लोग को ये सुविधा मिलना चाहिए. मोर्चांची आकडेवारी लक्षात घेता, या शांततेचं रूपांतर वादळात व्हायला वेळ लागणार नाही. आज 9 ऑगस्ट 2017 क्रांती दिन आपण हा महामोर्चाला आलो आहोत. हा महामोर्चा ना कोणत्या जाती विरुद्ध, ना कोणत्या धर्माविरुद्ध, ना कोणत्या पंथाविरुद्ध, आणि मराठे जितके पराक्रमी आणि सूर आहोत तितकेच संयमी देखील आहोत. आणि म्हणूनच आई जिजाऊ आणि छत्रपती शिवाजी महाराजांचा आदर्श डोळ्यासमोर ठेवून, कायद्याच्या चौकटीत राहून, संविधानाचा कुठेही अपमान भंग न करता, सनदशीर मार्गाने, स्वयंस्फूर्तीने, स्वयंशिस्तीने आम्ही हे मुख मोर्चे काढतो आहोत. हा महामोर्चा ना कोणत्या जातीविरुद्ध, हा महामोर्चा आहे महाराष्ट्रात आजवर झालेल्या माझ्या बहिणींवर. मग ती माझी हमने कुछ फार्मर्स से जब बात भी की थी मोर्चे के बीच में, तो उन्होंने जो अपने एक्सपीरियंसेस बताए, जो अपनी उनकी जो सिचुएशन है वो जब उन्होंने बयान करी, तो हमें भी काफ़ी उसके लिए ख़राब फील हुआ, दुखद. उनके लिए मतलब उनका ऐसा सिचुएशन हो गया कि वो लोग अपना जो बेसिक कॉस्ट है प्रोडक्शन का वो भी पूरा नहीं कर पा रहे. तो हमारे फार्मर्स के लिए हम लोग कुछ नहीं करें, मतलब हमें हर 5 साल के बाद जब भी गवर्नमेंट चेंज होती है तो उन्हें मतलब बस अश्योरेंसेस दिए जाते हैं कि आपके लिए कुछ अच्छा होगा, लेकिन नहीं हुआ. बट इसमें एक अच्छी चीज़ ये है कि इस कम्युनिटी ने जिस तरह से ये मुद्दों के ऊपर बात उठाई है, इसको मैं प्रमोट करना चाहता हूँ. और मैं ये मतलब हम ये चाहते हैं कि इसी तरह से हम इन मुद्दों के ऊपर बात करें. बीइंग अ सोसाइटी, हमें इन सभी मुद्दों के ऊपर मतलब प्रोसेशंस निकालनी चाहिए, रैलीज निकालनी चाहिए, गवर्नमेंट से जवाब मांगने चाहिए, गवर्नमेंट से सोल्यूशन मांगना चाहिए. जय जिजाऊ, मी रमेश गायकवाड औरंगाबादहून आलेलो आहे. मागच्या 2 दिवसापासून आम्ही इथे आलेलो आहेत. ज्याप्रमाणे मागच्या 1 वर्षापासून महाराष्ट्रात मराठ्यांचं एक वादळ निर्माण झालं मराठा क्रांती मुख मोर्चा नावाने, अत्यंत जगामध्ये मराठ्यांनी एक आदर्श घालून दिला की
मोर्चा कसा काढावा आणि आपल्या मागण्यांचं मागणी कशी करावी, आपल्या अत्यंत जीवनावश्यक ज्या मागण्या आहेत त्याची मागणी कशी करावी शासनाकडं, हा एक इतिहास मराठ्यांनी घडून दिला आणि त्या इतिहासाचा एक पुनरावृत्ती उद्या दिनांक 9 ऑगस्ट 2017 रोजी म्हणजेच बरोबर 1 वर्षानंतर मागच्या वर्षी 9 ऑगस्ट 2016 आम्ही औरंगाबाद संभाजीनगर इथून सुरुवात केलेला हा अफाट मोर्चा उद्या एक त्याचं भव्य स्वरूप येणार आहे. जगात असा कुठेच तुम्हाला मोर्चा दिसायला भेटणार नाही. तो मोर्चा उद्या भारतामधल्या मुंबई या महानगरामध्ये दिसणार आहे. मित्रांनो, पूर्ण देश या मोर्चाकडं बघत आहेत. ह्या मोर्चा नेमकं कसा होणार आणि किती पब्लिक येणार, बरेचसे तर्कवितर्क लावले जात आहे. पण मी सांगू इच्छितो की मराठ्यांची कधीही गिंता झाली नाही आणि होणारही नाही. एक प्रकारचं भगवं वादळ, एक प्रकारची सुनामी या ठिकाणी येणार आहे उद्या. त्यासाठीच आम्ही आलेलो आहे 2 दिवसापासून. आणि मी येणाऱ्या ज्या गाड्या आहेत, ज्या 4-व्हीलर 2-व्हीलर ज्या रेल्वेतील पब्लिक आहेत, त्यांना असं आव्हान करतो की त्यांनी अत्यंत शांततेने यायचं आहे. जे जे लोक येतील त्यांच्या सगळ्यांसाठी इथं मुंबईकरांनी आपल्याला छानशी अशी व्यवस्था केलेली आहे. पार्किंगची व्यवस्था आहेत, राहण्याची व्यवस्था आहेत, बाथरूम्सची व्यवस्था आहे, सगळ्या प्रकारची हायटेक व्यवस्था मुंबईकरांनी आपल्याला केलेली आहे. आणि येणाऱ्या पब्लिकला मी असं आव्हान करतो की त्यांनी अत्यंत शांतता बाळगावी, कुठलीही अनुचित प्रकार घडणार नाही याची काळजी स्वतःहून आपण ज्या मागच्या 1 वर्षापासून घेत आहोत तीच काळजी आपण ह्या मोर्चातही घ्यायची. आणि शेजारच्याला सहकार्य कसं करतील, एखादा अडचणीत जर असला रात्री बेरात्रीचा तर त्याला सहकार्य करून त्यालाही सोबत घेऊन या मोर्चाला, असं मी आव्हान करतो. धन्यवाद. अजिबात नाही, राजकारण्यांचा हा मोर्चाच नाही, हा सर्वसामान्य मराठा समाज अत्यंत तळागाळातला ज्याच्या मनात तो द्वेष आहे की आपण आता कुठंतरी तळाला गेलेलो आहे आणि आपल्यावर कुठंतरी अन्याय झालेला आहे, तोच मराठा इथपर्यंत आलेला आहे. आणि हो सगळा समाज बघून आता कुठंतरी जे पैशावाले जे राजकारणी लोक आहे ते पण त्यांच्या सुरात सूर मिळवलेलं आहे त्यांनी, त्याच्यामुळे राजकारणी कोणता फायदा घेतील असं मला तरी वाटत नाही आणि ते घेणारही नाही. सर, महाराष्ट्रामध्ये सर्वात जास्त एमएलए, आमदार, खासदार हे मराठ्यांचे आहेत, तरी पण मराठ्याला का नाही मिळत हे आमचं एक दुर्दैव म्हणता येईल. मराठे जे जरी जातीचे असले पण ते मतीचे नाही आहे मी इथे सांगू इच्छितो. त्यामुळेच आम्हाला न्याय आतापर्यंत भेटला नाही. त्यांना मागणारं पाठीमागे हक्कानं मागणारं आतापर्यंत कोणी नव्हतं, कारण की मराठा समाज हा 80-85% शेतीवर अवलंबून होता. एवढे दिवस निसर्गाने शेतकऱ्याला भरपूर अशी साथ दिली होती पण काळानुरूप निसर्गही शेतकऱ्याला साथ देत नसल्यामुळं कुठेतरी शेतकरी खड्ड्यात ढकलले जात आहेत. त्याच्यामुळं ह्या मागण्या आवश्यक असल्यामुळं शेतकरी आता आंदोलनाच्या स्वरूपात आलेले आहेत. आणि या मोर्चामध्ये मुख्यतः शेतकऱ्यांसाठी आमची मागणी स्वामीनाथन आयोग हा पण एक मुख्य मागणी आहे आमची. आणि ते सरकारने ह्या उद्याच्या मोर्चात आमच्या पूर्णच्या पूर्ण मागण्या मान्य करतील ही आम्हालाही खात्री आहे. स्वामीनाथन आयोग म्हणजे आपण जो पिकवतो मालाचं जे उत्पन्न असतं, उत्पन्नाच्या खर्चाच्या 50% आधारित तो भाव असतो. म्हणजे एका मालाला जर आपल्याला पूर्ण निघेपर्यंत 10 रुपये खर्च आला तर गव्हर्नमेंट त्याला बंधनकारक असतं, त्याला 15 रुपये भाव देणं, याला स्वामीनाथन आयोगाच्या अटी आहेत, त्याला स्वामीनाथन आयोग म्हणतात. और जो मराठा सकल समाज का जो मुख्य मुद्दा था कि 15 साल की लड़की का जो गैंग रेप हुआ और ब्रूटल मर्डर हुआ उसका सोल्यूशन जल्दी से निकले. एंड एक क्लियर सी, बहुत ही क्लियर इनकी डिमांड है पूरे मराठा कम्युनिटी की कि इस पर्टिकुलर केस को सेंसिटिवली हैंडल करके फास्ट ट्रैक कोर्ट पे डाल के जो क्रिमिनल्स है या जो कल्प्रिट्स है इनको फटाफट सजा दो. और जो विक्टिम है एटलीस्ट वो तो अभी इस दुनिया में नहीं रही, कम से कम उसके रिस्पेक्ट, मतलब उसकी जो जान गई उसको एक रिस्पेक्ट करते हुए उसके जो गुनहगार है उनको सजा मिले. कोपरडी में रेप केस हुआ था एक माइनर लड़की के साथ. जब उस रेप केस के बारे में पता चला, बहुत ही ब्रूटल रेप केस था, वो गैंग रेप किया उस लड़की के साथ. और सिर्फ रेप तक ही नहीं थी उनकी हैवानियत उन क्रिमिनल्स की, उन्होंने उसकी जान भी ले ली. तो ये तीनों जो बंदे थे ये कुछ बैकवर्ड कास्ट के थे और बिकॉज ऑफ दी लॉज दैट वी हैव, हमारे कंट्री में जो लॉज है, जितने भी कानून है बैकवर्ड और जो माइनॉरिटीज़ है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसकी वजह से उसका वो फ़ायदा उठा रहे हैं. एक्चुअली उसकी वजह से कुछ नहीं हो रहा है, ये लोग जो है क्रिमिनल्स क्राइम करने के बाद उस लॉ को एक अपना शील्ड बना के
अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और ये चीज मराठा जो मराठा कम्युनिटी है ये वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। जय शिवराय, जय श्री राम। मी सिद्धी मोहन साळवी अंबरनाथ विभागातून आली आहे। मराठा क्रांती मोर्चामध्ये इथे येण्याचं एकच उद्देश होता की कोपर्डीत ज्या बलात्कार झाला एका त्या ताईला न्याय मिळवून दिला पाहिजे, त्यासाठी जे गुन्हेगार आहेत त्यांना लवकरात लवकर फाशीची शिक्षा झाली पाहिजे, आणि दुसरा मुद्दा आहे तो म्हणजे ॲट्रॉसिटी कायदा, त्यासाठी आम्ही सगळेजण इथे आलेलो आहोत। ॲट्रॉसिटी कायदा हा बंद झाला पाहिजे, कारण कुठलीही चूक नसताना कुठलाही दोष नसताना फुकटचा ॲट्रॉसिटी कायदा लावून आम्हाला असे आमच्यावर अन्याय केला जात आहे। हमारी कंट्री को हम अंदर से मजबूत करें और एक एक बेटर टुमारो हम क्रिएट करें जो हमारी जनरेशन है उनके लिए भी और जो आने वाली जनरेशन है उनके लिए भी। क्योंकि ये बात हमारे समझना बहुत जरूरी है, भले ही हम 2000 साल पुरानी सभ्यता का हिस्सा है लेकिन ये देश आजाद हुए 70 साल हुआ है, अभी भी ट्रायल एंड एरर्स पे चीजें चलती हैं, अभी भी हम कुछ सीख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं और इतनी डाइवर्सिटी के अंदर यूनिटी बनाए हुए हैं। तो ये जो मराठा जो सकल समाज था इन्होंने जिस तरीके से अपनी बात रखी, बड़ी शांति से बात रखी, इसको अप्रिशिएट करते हुए नमस्कार करता हूँ, नतमस्तक होता हूँ उनके सामने कि एक एग्जांपल सेट किया कि इस तरीके से भी अपने मुद्दे लाए जाते हैं, इस तरीके से भी चीजें की जाती हैं, सिर्फ ट्रकों को जलाना, गाली गलौज करना ऐसी चीजें नहीं है, पत्थरबाजी करना हमारे पुलिस ऑफिसर्स के ऊपर जो अपनी फैमिली को छोड़ के हर फेस्टिवल में खड़े हो जाते हैं हमारे प्रोटेक्शन के लिए। और हम क्या करते हैं, हमारा कोई भी मुद्दा होता है हम सबसे पहले पत्थर उठा के फेंक देते हैं पुलिस वालों के ऊपर। तो और इसी पॉइंट के ऊपर मैं ये चीज़ और एक ऐड करना चाहता हूँ कि हम सैल्यूट करते हैं हमारे पूरे पुलिस फोर्स को, मुंबई पुलिस फोर्स को भी, जितने एफिशिएंटली पूरे मोर्चे को हैंडल किया गया है, पूरे मोर्चे को डायरेक्ट किया जा रहा था एक पर्टिकुलर रूट के ऊपर कि ताकि किसी तरह का एज अ मैटर ऑफ फैक्ट कि कुछ होने का चांसेस था ही नहीं, कि मतलब जो कम्युनिटी ने ही अपने आप में इतने अच्छे से कोऑर्डिनेट किया हुआ था, डिसिप्लिन था कि कुछ गलत होने का चांस नहीं था फिर भी। लेकिन अगर कुछ गलत होता तो हमारी जो मुंबई पुलिस है वो पूरी तरह से रेडी थी किसी भी तरह की सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। तो मैं फिर से एक बार सल्यूट करना चाहता हूँ हमारे ऑफिसर्स को, हमारे पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को, कितना एफिशिएंटली उन्होंने इस पूरे मोर्चे को कवर किया। और बस इस बात को यहीं पे ख़त्म करते हुए मैं उम्मीद करता हूँ जो इन्होंने मोर्चा किया जल्दी से इस चीज़ पे कुछ फैसले आए और आश्वासन तो मिला है सरकार की तरफ से, तो इन रेप केस के जो कल्प्रिट्स हैं इनको जल्दी सजा मिले। हमारे जो देश के फार्मर्स हैं वो भी लड़ रहे हैं, वो भी किसी जवान से कम नहीं है। हमारे देश में ये जो आरक्षण की बात बार बार उठती है, इस चीज़ का कुछ एक बेसिक सोल्यूशन निकाला जाए, क्योंकि टैलेंट बहुत ज्यादा है, हम ब्रेन ड्रेन हो जाता है ऐसी बात करते हैं, यार टैलेंट बाहर जा रहा है, क्यों जा रहा है भाई, रीजन तो है ना कोई भाई, क्योंकि हम लाइक यू नो वी गिव जॉब्स टू आर रिजर्व्ड बट पीपल आउटसाइड इंडिया और कंट्रीज आउटसाइड इंडिया गिव जॉब्स टू द पीपल हु डिजर्व, सो वी होप कि इसके ऊपर जल्द से जल्द कुछ एक्शन लिया जाए। और हम ये चाहेंगे कि हमारी पूरे कंट्री वाइड इसको इस मूवमेंट को चलाते रहना चाहिए जब तक इसका सोल्यूशन नहीं निकलता। तो इसी के साथ हम थैंक यू, धन्यवाद, उम्मीद करते हैं कि हमारा जो हमने एक हमारी तरफ से जो एफर्ट उठाया है, कोशिश की हमने, कि एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन था इस बहुत बड़े मूवमेंट के लिए कि हम इस मूवमेंट को एक्नॉलेज करें, इनके जो मुद्दे थे उनको एक्नॉलेज करें और जो लोग इनसे एसोसिएटेड थे उनको एक्नॉलेज करें। और एक और खास इंसान का नाम लेना चाहता हूँ, राहुल काले पाटिल, जिनकी वजह से मोर्चा थोड़ा सफल हो पाया, हम कर पाए इसे, तो थैंक्स टू दैट गाय कि उन्होंने हमें इसको एनलाइटन किया इन चीज़ों को लेके।
इन्होंने हमें इनसाइडर इन्फॉर्मेशन दी, इन्होंने बेसिकली हमें गाइडेंस दिया कि ये एग्जैक्टली क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, बिकॉज बाहर से देखने वाले को लगता है कि ये नॉर्मल जस्ट लाइक एनी अदर मोर्चा है फॉर रिजर्वेशन, बट हमें पता चला कि कितने सीरियस मैटर्स हैं जिसके ऊपर ये लोग बात कर रहे हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग आर एंटायर वर्क, एंड वी होप दैट यू अप्रिशिएट इट, एंड वी होप दैट इट विल मेक अ डिफरेंस इन योर लाइफ एज वेल। जय हिंद, जय भारत।